अस्सलाम वालेकुम दोस्त, मैं हूँ आपका दोस्त मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं कैप्शन टीवी। आज एक नई वीडियो के साथ आपका दोस्त आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों सबसे पहले आपको बहुत 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 ही धन्यवाद। दोस्तों आज के व्लॉग में सबसे पहले मैं नमाज पढ़ने जाऊँगा, उसके बाद जो है फिर मैं अपने प्यारों को मिलने जाऊँगा, अपने बुजुर्गों को मिलने जाऊँगा जिनकी वजह से मैं आज इस दुनिया में, यानी कि मैं कब्रिस्तान जाऊँगा अपने दादा दादी की कब्र पे। तो आप लोग भी आज के दिन अपने प्यारों को, अपने बुजुर्गों को ना भूलें, उनसे ज़रूर मिलने जाएं। उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह सुन्नत इब्राहिम ही अदा करेंगे। तो दोस्तों आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। अब मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, तो आप भी नमाज पढ़ें। अब लोग जमात के लिए कतारें बना रहे हैं। A few moments later. अब ईद नमाज पढ़ने के बाद लोग एक दूसरे को ईद मिल रहे हैं। ले जी अब ईद नमाज पढ़ी गई है, अब मैं अपने प्यारों से मिलने जा रहा हूँ, लोगों से मिली है, अब अपने प्यारों से मिलने जा रहा हूँ। ये देखें शुतुरमुर्ग, एक ये है और एक ये है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, की हाल चाल? ठीक ठाक है जी। कब्रिस्तान पहुंच चुका हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। ये फोटो आया था ना, जनाब कुदरती तौर पर कबरों में पानी लगा माशाल्लाह। जी ईद नमाज भी पढ़ा हुआ है और अपने प्यारों को भी मिलाया हुआ है कब्रिस्तान से। तो अब मैं घर आ गया हूँ, तो घर आया हूँ तो माँ जी ने मेरे लिए दही भले बनाए हुए थे कि बेटा आप सुबह से भूखे हो तो थोड़े से खा लो। माँ तो फिर माँ होती है ना, तो मैं अब दही भले खाने लगा हूँ। आप लोगों ने खाने हैं? खाने हैं तो खा लें।
नहीं खाने मर गई। अच्छा एक चीज़ मैं बताना चाह रहा था, जब मैं कब्रिस्तान गया तो वहाँ पे ना मैंने बहुत सी ख्वातीन भी देखी, हालांकि हमारे इस्लाम में ख्वातीन का मज़ारों पे और कब्रिस्तान में जाना मना है। तो प्लीज़ कोशिश कीजिए कि अपने घर में ख्वातीन को कंट्रोल करें, उन पर कंट्रोल करें कि वो कब्रिस्तान या मज़ारात पे जाने से गुरेज करें, क्योंकि इस्लाम में ये चीज़ मना है। और ईद के लिहाज से मैं ये एक दो बातें करना चाहता हूँ कि जो असल जो कुर्बानी थी ना वो थी बाप और बेटे की गुफ्तगू की, यानी कि हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के दरमियान जो गुफ्तगू थी ना उस वक़्त, वो असल कुर्बानी थी। दुम्बा जो आया उस वक़्त वो तो उसका फ़िदिया था। तो हम लोगों ने क्या किया कि हमने वो जो गुफ्तगू थी और जो असल कुर्बानी थी वो बुला दी है और दुम्बा याद रखा हमने, यानी कि हमने उनकी नहीं मानी। ठीक है, एक मुसलमान और मोमिन में यही तो फ़र्क है। मुसलमान वो होता है जो अल्लाह और उसके रसूल को माने, और मोमिन वो है जो अल्लाह और उसके रसूल की माने। तो हम मोमिन बने, जो उन्होंने फरमाया, जो उन्होंने अहकामात जो फरमान बताए हमें, हम उन पर अमल भी करें। दोस्तों साथ साथ मैं ये दही भल्ले भी खाता हूँ। मज़े के माँ क्या कहूँ क्या ही बात है। मैंने अब सुनत इब्राहिमी अदा कर दिया अल्लाह के फजल करम से, दुआ के अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल में मिली। फ्रेंड्स शुरू में मैं आपको दिखा नहीं सका, थोड़ा लेट हो गया मैं, तो कसाई वगैरह ने पहले ही काम शुरू कर दिया। घर से थोड़ा दूर था, बांधा हुआ था तो उधर ही किया, तो कसाई ने कर दिया वो था काम, मैं थोड़ा लेट हो गया। कोई नहीं, खैर है। ये सीन है, ये पुट है, ये दिली, ये पल्ले, ये कलेजी भी बना, और ये पाए।
दोस्त आपने आज का ब्लॉग देखा। उम्मीद करता हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सबकी सुनतें बढ़ाएंगी, सब लोगों की कुर्बानी जिन जिन्होंने कुर्बानी अदा की है उन सबकी कबूलों को जरूर फरमाएं, और जिन्होंने नहीं की नहीं कर सके अल्लाह ताला उन्हें अगले साल कुर्बानी करने की तौफीक अता करे। दोस्तों आज की इस वीडियो का इख्तिताम हुआ, अगली वीडियो तक अपने दोस्त मोहम्मद फैसल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।